नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको आकलन और मूल्यांकन, एक ही सिक्के के पहलू है या नहीं इसके बारे में बताऊंगी और आपको मूल्यांकन क्या है इसके बारे में बताऊंगी। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं बच्चों, आकलन और मूल्यांकन एक ही सिक्के के पहलू है। देखो बच्चों, आपने सुना भी होगा, कई लोग आकलन को ही मूल्यांकन कह देते हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है बच्चों, जब नाम अलग है तो इनमें अंतर का होना लाजमी है। जैसे आप जानते हैं बच्चों, सभ्यता और संस्कृति दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दोनों एक ही जैसी अवधारणा बताते हैं और सभी लोग सभ्यता को ही संस्कृति बोल देते हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति में अंतर है बच्चों। सभ्यता लोगों के जीवन स्तर को बताती है, जबकि संस्कृति लोगों के मूल्यों को बताती, आंतरिक भावनाओं को बताती है, वो होती है संस्कृति। वैसे ही बच्चों, आकलन और मूल्यांकन में भी अंतर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि आकलन क्या होता है। आकलन का मतलब होता है छात्र से सूचनाएं एकत्रित करके उसका स्थान निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। आकलन मतलब है अंकों को अर्थ दे दिया जाए, वो ही कहलाता है बच्चों आकलन। लेकिन उस अंकों के अर्थ में मूल्य को दे दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, मूल्यांकन, जैसे संस्कृति बनती है। तो मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है और आकलन उसी का एक छोटा रूप है। आकलन केवल शैक्षिक उपलब्धियों को दिखाता है, जबकि मूल्यांकन ना केवल शैक्षिक बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। कौन? मूल्यांकन। मूल्यांकन हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। आप जो बीएड सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उसमें मान के चलना बच्चों, मूल्यांकन का क्वेश्चन आता ही आता है और जितनी भी बुक्स आपके हैं उनमें मूल्यांकन वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले आपको ये जो आपकी मैं बुक पढ़ा रही हूँ, जो नवम पेपर जो आपका है, 80 नंबर का पेपर है बच्चों, असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, इस जो बुक में 80 नंबर का पेपर होते ही अपने आप ही उपयोगी हो जाता है बच्चों। तो मेरा पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखें ताकि ये सारी चीजें मैं आपको समझा सकूं। तो देखो बच्चों, आकलन मैंने आपको बताया कि छात्रों से सूचनाएं एकत्रित करके या लोगों से सूचनाएं एकत्रित करके छात्र और शिक्षक का स्थान निर्धारण करना ही क्या कहलाता है बच्चों, आकलन कहलाता है। और स्थान निर्धारण करने के बाद उसमें मूल्य को समाहित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो कई लोगों ने लेकिन आज भी कहते हैं कि आकलन को ही मूल्यांकन कह देते हैं, क्यों? इसके पीछे चार चीजें बताइए बच्चों कि मापन और परीक्षण है। आकलन के अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों, अंक देते हैं, शैक्षिक उपलब्धियों का निष्पादन करते हैं और उस बच्चे का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं कि उस बच्चे ने कहां तक अधिगम किया, कितना अधिगम किया, कितना कर सकता है, उसका स्थान क्या है, छात्र की प्रगति कितनी हुई, इन सब का परीक्षण करने के कारण हमने आकलन को मूल्यांकन भी कह दिया। तो कई लोग आकलन को मूल्यांकन कहते हैं, उसके पीछे ये तर्क देते हैं कि आकलन में मापन और परीक्षण दोनों किए जाते हैं, इसलिए आकलन ही मूल्यांकन है। लेकिन बच्चों, परीक्षण केवल शैक्षिक उपलब्धियों का होता है, जबकि पाठ्यक्रम से पूर्व और पाठ्यक्रम के बाद जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो निरंतर प्रगतिशील है, वो है आपका मूल्यांकन। जबकि आकलन केवल शैक्षिक उपलब्धियों का होता है, इसमें ज्ञानात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों पर जोर दिया जाता है बच्चों। अब बात आती है बच्चों, यह मूल्यांकन है,
मतलब छात्र के स्थान को निर्धारित करता है, छात्र की प्रगति को निर्धारित करते हैं। तो कई लोग कह देते हैं कि यह मूल्यांकन है, कई लोग कहते हैं ये व्यक्तिगत आकलन करता है और अध्यापक का निदान करने में सहायक होता है, अध्यापक के सामने जो जो समस्याएं आती है उनका निपटारा करता है आकलन, उसकी शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाता है, उसके ज्ञान का विकास करता है, उसको किन किन शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए ये बताता है आपका कौन आकलन। विद्यार्थी के निष्पादन में सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया है आपका बच्चों क्या आकलन। तो आपने देखा इन चार कारणों की वजह से आकलन और मूल्यांकन को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है। पहला मापन और परीक्षण है आकलन, आकलन मूल्यांकन है, आकलन व्यक्तिगत आकलन अध्यापक का निदान करने में सहायक है और विद्यार्थी के निष्पादन में सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया है बच्चों आकलन। अब बात आती है कि आकलन और मूल्यांकन में अंतर क्या है कि एक ही सिक्के के पहलू होने के बावजूद भी ये अलग अलग है बच्चों। आकलन को आप मूल्यांकन नहीं कह सकते, मूल्यांकन आकलन का ही छोटा रूप है लेकिन आकलन अलग है और मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है, ब्रॉड है। जैसे संस्कृति ब्रॉड है और सभ्यता उसी का एक लघु रूप है, वैसे ही बच्चों आकलन मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप है लेकिन आकलन को मूल्यांकन कह देना अतिशयोक्ति होगी, गलती होगी, इसलिए हम आकलन को मूल्यांकन नहीं कह सकते क्योंकि इनमें क्या है अंतर है। तो क्या है आकलन और मूल्यांकन में अंतर, तो देखते हैं। लोगों से सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया, आकलन के माध्यम से हम केवल लोगों से छात्र और अध्यापक के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करते हैं। हो सकता है किसी छात्र के बारे में हम दूसरे छात्र से भी पूछ सकते हैं, जबकि किसी उपकरण का प्रयोग कर छात्र का स्थान ही निर्धारित कर देता है। यहाँ तो सूचना एकत्र की जाती है लेकिन यहाँ पर उस छात्र के बारे में बता दिया जाता है कि उस बच्चे में क्या कमी है, वो बच्चा प्रतिभाशाली है या वो बच्चा सृजनशील है या वो बच्चा किस चीज में रुचि लेता है, इन सब के बारे में बता देता है आपका मूल्यांकन। अब कहता है आकलन अधिगम की क्रिया छात्र और अध्यापक के लिए है जबकि मूल्यांकन न केवल छात्र और अध्यापक का जबकि अन्य लोगों के का भी क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन में सभी समाहित होते हैं जबकि आकलन केवल दो का होता है बच्चों, छात्र और अध्यापक का। आकलन जो है शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है लेकिन मूल्यांकन न केवल शैक्षणिक वातावरण में या शैक्षणिक प्रक्रिया है बल्कि जीवन के सभी अंगों पर ध्यान दिया जाता है, इसमें जीवन के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, तो मूल्यांकन जीवन का अंग है। आप देखिए बच्चों जो बच्चे को अंक दिए जा रहे हैं शैक्षिक निष्पादन निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा, जो कौन सा परीक्षण कर रहे हैं हम, निष्पत्ति परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण के माध्यम से बच्चे को जो हमने अंक दिए उसको हम बोलते हैं मापन। मापन केवल मात्रात्मक है और संकुचित है, मात्रात्मक है और संकुचित है जबकि अंकों में अर्थ दे देना कि उस अंकों के आधार पर ये बता देना कि उस बच्चे का शैक्षिक निष्पादन अच्छा रहा या बुरा रहा या छात्र प्रगति कर रहा है या छात्र और अच्छा कर सकता है, इन शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए तो बच्चा और भी अच्छा कर सकता है, बच्चे को इस तरह का शैक्षिक वातावरण दिया जाए तो बच्चा अच्छा कर सकता है, ये बताता है बच्चों आपका आकलन। जबकि उन जो अंक आए हैं और जो अंकों का अर्थ हुआ है उसके आधार पर ये बता देना कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है, ये बच्चा गणित में होशियार है,
ये बच्चा साइंस में बहुत अच्छा कर सकता है। ये मूल्य का निर्धारण करता है बच्चों आपका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन और मापन और आपका आकलन, इन तीनों में फर्क है बच्चों। केवल अंक का निर्धारण करता है मापन और अंकों का अर्थ देता है आकलन, जबकि अंकों के अर्थ के साथ अगर मूल्य का निर्धारण कर दिया जाए तो वो बन जाता है बच्चों क्या, मूल्यांकन। अब देखो, आकलन केवल निदानात्मक होता है, निदानात्मक मतलब समस्या को पहचानने का कार्य करता है, जबकि मूल्यांकन न केवल निदानात्मक जबकि मूल्य का निर्धारण करता है। छात्र की समस्याओं को तो आकलन बता देता है, लेकिन उस छात्र की समस्याओं के आधार पर किस सीमा तक उसने उद्देश्य जो निर्धारित किए थे वो प्राप्त किए या नहीं किए, उनके बारे में मूल्य का निर्धारण कर देता है बच्चों कौन, मूल्यांकन। और ये है आपका आकलन। फिर आता है, ये संवादात्मक होता है, छात्र और अध्यापक के बीच की अंतःक्रियाओं का आकलन किया जाता है, किसी छात्र विशेष का आकलन किया जाता है। और रचनात्मक होता है, रचनात्मक का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों, छात्र की प्रगति नहीं हो पा रही है तो मूल्यांकन से पहले ही उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे का रचनात्मक प्रगति हो सके, जबकि मूल्यांकन रचनात्मक और योगात्मक दोनों का मिश्रण है। योगात्मक आकलन में परीक्षा ली जाती है और उसके अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पर यह है छात्र के अंदर समस्या है, छात्र की समस्या को डायग्नोस करने के बाद उसके संबंध में जो भी समस्याएं आ रही है उसका निवारण करने के लिए साधन अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो मूल्यांकन की पूर्व अवस्था है आकलन, और आकलन की बाद की दशा है या बाद की प्रक्रिया है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन और आकलन में बच्चों ये फर्क है, आकलन और मूल्यांकन को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जा सकता है, लेकिन आकलन और मूल्यांकन को एक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आकलन लोगों से सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन किसी उपकरण का प्रयोग कर छात्र का स्थान निर्धारित करता है। आकलन अधिगम की क्रिया छात्र और अध्यापक के लिए है, जबकि मूल्यांकन अन्य लोगों के लिए है। ये शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, जबकि ये जीवन का अंग है। अब यहाँ पर अंक केवल मापन है, निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा जो अंक निर्धारित किए जाते हैं वो मापन है, और ये मात्रात्मक और संकुचित होते हैं, जबकि अंकों को अगर हमने अर्थ दे दिया तो बच्चों वो आकलन बन जाता है। जैसे किसी बच्चे के 100 में से 30 नंबर आए तो ये क्या है, मापन, जबकि 100 में से 40 आ गए, फिर 100 में से 50 आ गए, तो इसका मतलब उसका जो शैक्षिक निष्पादन है वो प्रगतिशील है। और उस यहाँ पर बता दे कि उस बच्चे ने आज वो बच्चा किस स्तर पर है, तो वो बता देता है आपका कौन है, मूल्यांकन। तो इसका उद्देश्य निदानात्मक है, जबकि इसका मूल्य का निर्धारण करना इसका उद्देश्य माना जाता है। ये संवादात्मक और रचनात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन एक योगात्मक क्रिया है, इसमें जीवन प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। अब देखो, अब है आकलन की विधाएं। आकलन की विधाओं की बात करें बच्चों, तो आकलन दो प्रकार से किया जा सकता है, एक परीक्षण प्रक्रिया और एक स्वयं आलेख प्रविधियां। परीक्षण प्रक्रियाओं का मतलब है किसी भी बच्चे की बुद्धि का पता लगाना है, किसी भी बच्चे की रुचि का पता लगाना है, किसी भी बच्चे की सृजनात्मकता का पता लगाना है, किसी बच्चे की अभिवृत्ति का पता लगाना है, किसी बच्चे के ध्यान का पता लगाना है। तो इन सब के बारे में जो जिससे पता चल जा सकता है वो परीक्षण के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो आकलन किया जाता है परीक्षण के द्वारा, और दूसरा है आपका स्वयं आलेख प्रविधियां। इसका मतलब है छात्र को क्या पसंद है, छात्र की किस क्षेत्र में रुचि है, छात्र को कौन सा विषय अच्छा लगता है, छात्र को कौन सा टीचर अच्छा लगता है, छात्र की किस एक्टिविटी में रुचि है। तो ये सब जो चीजें हैं उन सब के बारे में
सूचनाएं और अनुभव प्राप्त किए जाते हैं। कौन सी विधि के माध्यम से? स्वयं आलेख विधि के माध्यम से। तो आकलन की दो विधियां हैं बच्चों, परीक्षण प्रक्रियाएं और दूसरा है आपका स्वयं आलेख प्रविधियां। ये दो विधाएं हैं। अब जो बच्चों हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमने आकलन देखा, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान समझ लो, चाहे बीएड सेकंड ईयर समझ लो या नेट के एग्जाम समझ लो, किसी में भी मूल्यांकन वाला टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो मूल्यांकन को ध्यान से समझने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए बच्चों। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन का अर्थ मैंने आपको बताया, मूल्य का अंकन करना, मूल्य का अंकन करना। अंक जो दिए हैं, अंकों को अर्थ देने के बाद अगर हमने उसका मूल्य निर्धारित कर दिया तो इसका मतलब है वो क्या कहलाता है बच्चों? मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन एक जीवन प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। जीवन न केवल शैक्षिक गतिविधियों का अंग है, मूल्यांकन जीवन के हर क्षेत्र का किया जाता है, समय समय पर किया जाता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है बच्चों। क्या? मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति के तीन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। कितने पक्षों का? व्यक्ति के तीन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। वो कौन कौन से तीन पक्ष है बच्चों? पहला है आपका ज्ञानात्मक। कौन सा है? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यहां आप ध्यान से सुनना बच्चों, आकलन केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देता है। इस पर बच्चे ने कितना ग्रहण किया, जबकि मूल्यांकन भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों पर जोर देने वाली प्रक्रिया है बच्चों। जीवन का एक आवश्यक अंग है। मापन केवल मात्रात्मक परीक्षण करता है, जबकि मूल्यांकन मात्रात्मक के साथ साथ बच्चे के गुणात्मक परीक्षण पर भी ध्यान देता है। इसलिए मापन एक संकुचित अवधारणा है, जबकि मूल्यांकन बच्चों एक व्यापक अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है? व्यापक अवधारणा है। अब तीसरा देखो बच्चों, मैंने आपको बता दिया जीवन की प्रक्रिया का अंग है, और दूसरा मैंने बताया व्यक्ति के तीन पक्षों का विकास करता है। तीसरा है आपका शिक्षा प्रक्रिया, विधियों, पुस्तकें, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, सभी को अपने अंदर समाहित करता है। कौन? कि बालक का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है, शिक्षा प्रक्रिया को कैसे प्रभावशाली बनाना है, विधियां कौन कौन सी प्रयोग में लाई गई, पुस्तकें कौन सी अच्छी होनी चाहिए, शैक्षणिक उद्देश्य कौन कौन से लिए गए हैं, इन सब को जो है मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई, कितना बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ये सब हम मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत पाठ्यक्रम कैसा होना, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, शिक्षण प्रक्रियाएं, शिक्षण कौशल, छात्र अधिगम, सभी को इसमें शामिल किया जाता है और सभी की गुणात्मक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाता है कि छात्र के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। उसके बाद आता है बच्चों मानदंड परीक्षा उद्देश्यों पर बल। बच्चों देखो बच्चों, एक होता है निष्पत्ति परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण केवल अंकों का निर्धारण करता है और पाठ्य पुस्तक के अध्ययन पर जोर देता है, जबकि आपका मानदंड परीक्षण सभी एक्टिविटी को देखता है। बच्चे की केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को ही नहीं देखकर सह पाठ्यगर्मी क्रियाओं के अध्ययन पर भी जोर देता है कि सह पाठ्यगामी जो क्रियाएं हैं वो भी बच्चा करे, उसका भी इसमें मूल्यांकन समाहित किया गया है। तो मानदंड परीक्षा उद्देश्यों पर भी बल देता है। कौन? मूल्यांकन। इसके अलावा ये आपकी मूल्यांकन की अवधारणा है। मूल्यांकन मूल्यों का निर्धारण करती है, एक व्यापक अवधारणा है।
व्यक्ति के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का निर्धारण करती है। बच्चों अब आता है कि मूल्यांकन के बारे में विभिन्न विद्वानों ने और विभिन्न आयोगों ने अपनी परिभाषाएं भी दी है। तो देखो, कोठारी शिक्षा आयोग 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर ही भारत का पहला राष्ट्रीय नीति 1968 बनी। तो पहली राष्ट्रीय नीति बनाने वाले कोठारी शिक्षा आयोग ने मूल्यांकन के बारे में कहा कि मूल्यांकन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये कहने वाला है आपका कोठारी शिक्षा आयोग कि मूल्यांकन एक अनवरत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जिसमें जिसका संपूर्ण शिक्षण प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वो ही क्या है? मूल्यांकन है। ऐसा कहना है आपका कोठारी शिक्षा आयोग का। दूसरा है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब आप जानते हो, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद। इस एनसीईआरटी जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इस एनसीईआरटी की स्थापना के साथ ही राज्यों में भी 1963 में ऐसी संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया गया था। तो एनसीईआरटी ने कहा कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देखा जाता है कि बच्चे ने जो उद्देश्य निर्धारित किया है वो उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वो उद्देश्य किस सीमा तक हुए हैं, जो पाठ्यक्रम डिसाइड हुआ था वो पाठ्यक्रम कितना प्रभावशाली हुआ, ये सब कि जो अधिगम अनुभव बच्चे को दिए गए वो अधिगम अनुभव किस सीमा तक बच्चे ने प्राप्त किए, इन सब का उद्देश्य है। ये ही क्या कहलाता है बच्चों? मूल्यांकन कहलाता है। ये कहा आपकी एनसीईआरटी। फिर है डाकेकर ने क्या कहा? डाकेकर ने भी यही बात कही कि मूल्यांकन का मतलब है कि जो भी आपने व्यक्तिगत अनुभव या उद्देश्य निर्धारित किए हैं आपने उन उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त किया, ये ही क्या है? मूल्यांकन है। फिर टारगेसन और एडम्स ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य निर्धारण कर देना, किसी भी चीज का या किसी का भी मूल्य का निर्धारण कर देना ही मूल्यांकन कहलाता है। ये कहा टारगेसन और एडम्स ने। तो आपने देखा ये दो परिभाषाएं दी गई, एक टारगेसन और एडर्सन ने कहा कि मूल्य का निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। आगे हम मूल्यांकन की परिभाषाओं के बारे में, मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के प्रकारों आदि के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो आज आपने पढ़ा कि आकलन और मूल्यांकन एक ही सिक्के के पहलू है या नहीं, आकलन की विधाएं और मूल्यांकन। मूल्यांकन जो कि जीवन प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है जिसमें व्यक्ति के तीनों पक्षों पर जोर दिया जाता है, शिक्षा प्रक्रिया, शिक्षण विधियां, पुस्तकें, उद्देश्य, ये सब मूल्यांकन में समाहित होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई ये देखता है, व्यापक प्रक्रिया है, मानदंड परीक्षा उद्देश्यों पर बल देता है। कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा कि ये एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मूल्यांकन वह है जिसमें देखा जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। टारगेसन और एडम्स कहते हैं कि किसी का भी मूल्य निर्धारण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो ये आज आपने पढ़ा। आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट दें ताकि मैं बीएड सेकेंड ईयर के इस पाठ्यक्रम को, आपके पूरे टॉपिक्स को क्लियर करवा सकूं। आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, सुने, समझे और कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। धन्यवाद।